नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पुस्तक रिव्यू में और मैं हूं आपका दोस्त राजेश गुप्ता। दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं वो है अरिहंत पब्लिकेशन की 14,000 प्लस क्वेश्चंस की बुक। इसमें 14,000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जनरल स्टडीज़ के। दोस्तों, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में प्रकाशित होती है और सेम है, दोनों बुक सेम है, सिर्फ मीडियम का फ़र्क है। दोनों को मैं ही दिखा रहा हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, ये बुक है स्पेशली उन सभी एग्ज़ामों के लिए जिनमें जनरल स्टडी के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके राइटर हैं मनोहर पांडे और ये यूपीएससी प्री एग्ज़ाम के लिए, पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए, सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी की परीक्षाओं के लिए, रेलवे की परीक्षाओं के लिए, इसके अलावा पुलिस के एग्ज़ामों के लिए, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम देखें आप ये दिए हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जिसमें जीके का पोर्शन अच्छा आता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है ये। तो दोस्तों, इसमें देख लें कौन कौन से सेक्शन कवर हैं: भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं सामान्य ज्ञान का संपूर्ण कवरेज। इसी तरह से इंग्लिश में भी सेम यही चीज़ है: इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जनरल नॉलेज। तो दोस्तों, देख लेते हैं किस तरह का इसमें मटेरियल दिया है। हिंदी की बुक देखते हैं, दोनों ही बुक सेम हैं, हिंदी हो या इंग्लिश। ये लेखक की तरफ से दो शब्द दिए हैं पहले, और उसके बाद ये इसकी विषय सूची है। देखिए दोस्तों, विषय सूची में पहला सेक्शन है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास दिया है। एक एक चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन दिए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप दे लें लगभग लगभग पूरा ही सिलेबस तैयार होता है। ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक एवं महाजनपद काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, मौर्य एवं मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल और संगम काल। इस तरह से ये प्राचीन इतिहास में इतने चैप्टर कवर हैं। मध्यकालीन इतिहास में भी देखें आप, अरब एवं तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, प्रांतीय राजवंश, 15वीं-16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन, मुगल काल, उत्तर मुगल काल, मराठा राज्य एवं संघ। ऐसी आधुनिक इतिहास में देखें दोस्तों, नवीन राज्यों का उत्थान, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रभाव और नीतियाँ, कृषक, जनजाति एवं श्रमिक मजदूर आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, भारत में प्रेस एवं शिक्षा का विकास, 1857 का विद्रोह, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण, अलगाववादी एवं वामपंथी राजनीति, ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इसके अलावा विश्व का इतिहास, कला, संस्कृति एवं सांस्कृतिक परंपरा। तो दोस्तों, तीनों तरह के इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास, और इसके अलावा कला संस्कृति भी दिया हुआ है। दूसरा सेक्शन आता है भारत एवं विश्व का भूगोल। तो ऐसे ये विश्व का भूगोल दिया है, इसके चैप्टर देख लेते हैं: ब्रह्मांड, पृथ्वी की जानकारी, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, विश्व की कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उद्योग, परिवहन एवं संचार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, विश्व का महाद्वीपीय भूगोल। भारत का भूगोल सेक्शन के अंतर्गत दिया है भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का भौतिक प्रदेश, अपवाह प्रणाली, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव अभयारण्य, भारत की मिट्टियाँ, कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, भारत के उद्योग एवं अनुसंधान केंद्र, परिवहन एवं संचार, मानव संसाधन, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा भूगोल के सेक्शन में दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पोर्शन दिया है, इसको देख लेते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन, सतत विकास व आपदा प्रबंधन। ये दोस्तों तीसरा सेक्शन आता है भारतीय राजव्यवस्था। भारतीय राजव्यवस्था में भी देखें संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता एवं राज्य संघराज क्षेत्र, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय विधानमंडल, न्यायपालिका, राज्य व्यवस्थापिका, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन, निर्वाचन प्रणाली एवं दलीय व्यवस्था, संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय व संस्थाएं, आपात उपबंध और राजभाषा। इसी तरह से
इसके बाद का पोर्शन है अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास, आर्थिक नियोजन, गरीबी बेरोजगारी एवं संबंधित उन्मूलन योजनाएं, भारतीय कृषि, भारतीय उद्योग एवं औद्योगिक नीति, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारतीय वित्तीय बाजार, लोक वित्त, भुगतान संतुलन एवं विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। इसके बाद दोस्तों सामान्य विज्ञान का पोर्शन दिया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिए हैं। फिजिक्स में देखें लगभग सारे चैप्टर हैं, मापन, गति, बल एवं न्यूटन के गति विषयक नियम, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ के यांत्रिक गुण, सरल आवर्त गति एवं तरंग, ऊष्मा एवं ताप, विद्युत की चुंबकत्व, प्रकाश, प्रकाश विद्युत प्रभाव, आण्विक एवं नाभिकीय भौतिकी, अर्धचालक संधि, संचार प्रणाली, नैनो प्रौद्योगिकी। इसी तरह से रसायन विज्ञान के भी दोस्तों ये बहुत सारे टॉपिक, मतलब लगभग लगभग सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, जिससे आपके इन अध्यायों से आए हुए क्वेश्चन पूरी तरह से कवर कर दिए गए हैं। इसी तरह से जीव विज्ञान दिया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर का सेक्शन दिया है, इसमें भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, कंप्यूटर का परिचय, नेटवर्क एवं इंटरनेट और दूरसंचार। और इसके बाद ये सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में वो स्टैटिक जीके जिस तरह का, भारत एवं विश्व, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथियाँ, शब्द संक्षेप, प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें, प्रमुख व्यक्तित्व, उपनाम, स्थान, पुरस्कार एवं सम्मान, संगठन एवं संस्थाएँ, आयोग एवं समितियां और खेल जगत। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको दिखाया कि इसमें इसी तरह से ये इंग्लिश वाले एडिशन में आप देखें तो इसकी भी कवरेज सेम इसी तरह की है। इसमें देखें ये हिस्ट्री दिया है, हिस्ट्री में आपका एंशियंट हिस्ट्री दिया है, ये जितना हिंदी में हिंदी के चैप्टर दिए हैं उतने ही इंग्लिश में भी दिए हैं, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। देखें ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इसी तरह से इंडियन पॉलिटी, देखते जाएं चैप्टर, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, सिटीजनशिप एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फंडामेंटल राइट्स। इसी तरह से आप देखें सारे चैप्टर इस तरह से एक एक करके मैं दिखाता जा रहा हूँ आपको, देखते जाएँ आप। इंडियन इकोनॉमी में देखें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके, ये देखें सारे चैप्टर कवर। इसी तरह से ये अगला सेक्शन आ जाता है जनरल साइंस, जनरल साइंस देखते जाएं, मेजरमेंट, मोशन, द फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, एक एक चैप्टर देखते जाएं आप। केमिस्ट्री का सेक्शन है ये, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, एक एक चैप्टर आप चेक करते जाएं, 15 चैप्टर ये यहाँ तक हैं। इसके बाद ये बायोलॉजी का सेक्शन है, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, इस तरह से देखिए सारे चैप्टर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जनरल नॉलेज, इस तरह से दोस्तों ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब देखें दोस्तों किस तरह से प्रेजेंटेशन क्या है इनकी, ये देखें प्राचीन इतिहास में ये दिया है, ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप देखते जाएं, ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एक जगह इन्होंने करके ऐसे दे दिए हैं, हर एक पेज पर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनके यहाँ पर आंसर दिए होंगे नीचे, आप देख सकते हैं, चेक कर लें इस तरह से। दूसरा है जैसे सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और कई एग्जामों में आए हुए, जैसे पहला क्वेश्चन देखे हैं UPPCS 1996 में आया हुआ है ये, इस तरह से इन्होंने वो भी कवर किए हुए हैं क्वेश्चन, जो आए हुए क्वेश्चन हैं और साथ में वैसे भी दिए हैं कुछ SSC के आए हुए क्वेश्चन, RAS में आए हुए क्वेश्चन, LIC ADO SSC में आए हुए क्वेश्चन, असिस्टेंट कमांडेंट ISP का क्वेश्चन दिया है, RRB 2006 का क्वेश्चन है ये, BPSC 2015 में आया हुआ है, NDA 2017 में, तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो ये एक अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन भी हो जाता है। और दोस्तों इसमें 14,000 प्लस, लगभग 15,000 प्रश्न समझ लीजिए आप, इतने क्वेश्चन दिए हैं और उनके साथ में ये हर पेज पे जितने क्वेश्चन एक पेज पे दिए हैं उनके आंसर नीचे दिए हैं, इस तरह से इन्होंने ये आप देख रहे हैं। ये दूसरा चैप्टर था सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, इसी तरह से ये तीसरा चैप्टर मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चैप्टर का प्रेजेंटेशन इसी तरह का है, वैदिक एवं महाजनपद काल, देखें इसी तरह से क्वेश्चन दिए हैं, चार उसके विकल्प दिए हैं और उसके बाद ये नीचे इस पेज पे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सबके
इस पेज पे नहीं दिए इन्होंने, तो ये दो पेज के एक साथ दे दिए इधर इस तरह से, इस तरह से। तो दोस्तों इस पूरी बुक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी सब कुछ कवर किया हुआ है। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी कवर किया हुआ है, सब कुछ कवर है, और वो भी क्वेश्चन बैंक की तरह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी किताब है उन सब एग्ज़ामों के लिए जिनमें जीके का महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो दोस्तों इसी तरह की नई नई बुक्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।